विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाउंड इन एन एटम इज ज़ीरो द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एमिट्स एनर्जी इन क्वांटम जम्प्स बट एब्जॉर्व एनर्जी कंटिन्यूअसली आराम से सुनते हैं एक एक करके समझते हैं ठीक है पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं द इनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाउंड इन एन ऐटम इज जीरो गलत अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालोगे जो कि बाउंडेड ऐटम है उसकी एनर्जी निगेटिव आती तो पहला गलत हो गया दूसरा द इलेक्ट्रॉन इन इन एटम्स एमिट्स एनर्जी इन क्वांटम जम्प्स बट एब्जॉर्ब्स एनर्जी कंटिन्यूसली ठीक है बट एब्जॉर्ब इनर्जली कंटिन्यूसली गलत है क्वांटम जम्प्स में ही एनर्जी एमिट करता है और क्वांटम जम्प्स में एनर्जी इनर्जी भी करेगा मतलब डिस्क्रीट जो है वो वो एनर्जी लेवल्स होते हैं मतलब कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगी वो वो फिक्स एमाउंट होगी ठीक है कि इतने इलेक्ट्रॉन बोल्ड फिर इतने इलेक्ट्रॉन बोल्ड फिर इतने इलेक्ट्रॉन बोल्ड तो जो एनर्जी के पैकेट्स वो एब्जॉर्व करेगा वही एनर्जी के पैकेट्स वो एमिट करेगा कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट नहीं करेगा तो ये भी गलत हो गया सी पार्ट में आते हैं एन एटम कैन नॉट एमिट एनर्जी वाइल इट इज़ इन ग्राउंड स्टेट हाँ अब वो ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट में है तो अब वो एनर्जी कैसे एमिट कर सकता है हाँ हायर एनर्जी स्टेट में होगा तो जब ग्राउंड स्टेट में लौट के आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा तो ये आपका सही है और यही आपका सी पार्ट आंसर बनेगा द एटम कैन नॉट एब्सॉर्व एनर्जी वाइल इट इज इन ग्राउंड स्टेट बिल्कुल गलत है ग्राउंड स्टेट में है तो एब्सॉर्व ही कर सकता है एमिट नहीं कर सकता क्योंकि ग्राउंड से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा वो एब्सॉर्व करेगा ठीक है तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका सी पार्ट अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल ठीक है अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा तो आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे अगर और कुछ नहीं दिया जाता तो हम ये सोच के सोचते हैं कि नंबर्स बढ़े होंगे और फोटॉन्स के नंबर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ेंगे तो सेचुरेशन करेंट बढ़ेगी ठीक है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी होती है ना कि इंटेंसिटी की ठीक तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी गलत है नंबर ऑफ़ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज ये बिल्कुल सही है नंबर इंक्रीज़ कर जाएगा बी पार्ट इसका आंसर बनेगा इन फोटो इफेक्ट द फोटो करेंट फोटो करंट किस बात पर डिपेंड करेगी तो फोटो करेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फोटो ऑन फ्रीक्वेंसी बट ओनली द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम डिपेंड्स ऑन बोथ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज वैन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज डिक्रीजेज वैन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज तो ये दोनों तो गलत है सी ओर डी फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है उसे फोटो इलेक्ट्री इफेक्ट में जो फोटो करंट होती है वो नंबर्स पे डिपेंड करती है कितने फोटॉन्स आ रहे हैं उससे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन जब कलेक्ट हो रहे हैं तब सेचुरेशन करंट फ्लो हो रही है तो ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगी ठीक बट फ्रीक्वेंसी कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि फोटो इफेक्ट हो जाए मतलब ऐसा मत करना कि फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगी तो फ्रीक्वेंसी हम कितनी भी कम कर दें अगर आपने थ्रेशोल्ड से कम कर दी फ्रिक्वेंसी तो तो फिर फोटोलैक्टिव इफेक्ट ही नहीं होगा तो इफेक्ट ही नहीं होगा तो फोटो करंट आएगी कहाँ से तो फ्रिक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए बस ताकि फोटोलैक्टिव इफेक्ट होता रहे बाकी जो करंट है वो सिर्फ इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं उससे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और उससे कितनी करंट फ्लो जाएगी डज नॉट डिपेंड ऑन द फोटोन फ्रिक्वेंसी बट ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट पे ठीक तो ए आंसर इसका जो है वो बेहतर आंसर जाएगा ठीक है कोई बी भी, भी कह सकता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड तो कर रही है बट उस तरह से डिपेंड नहीं कर रही कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से इंटेंस करंट बढ़ेगी या कम होगी वैसे डिपेंड नहीं कर रही बट ये कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए करंट को होने के लिए ठीक है इसलिए हम आंसर ए पार्ट ही मारेंगे इसमें इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द करेक्ट एंगल ऑफ स्कैटरिंग फॉर एल्फा पार्टिकल फॉर इंपैक्ट पैरामीटर इक्वल टू जीरो ठीक है इम्पैक्ट इन रदरफोर्ड फोर्ड स्कैरिंग स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द करेक्ट एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ एल्फा पार्टिकल्स फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर इक्वल टू जीरो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है वो समझो जैसे मान लिया ये ये एटम है ये एटम का न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव चार्ज है ठीक और यहाँ ये ये डॉटेड लाइन मैंने ऐसी बना ली है और यहाँ पे आपने एल्फा पार्टिकल को जो है वो प्रोजेक्ट किया एल्फा पार्टिकल को तो जैसे जैसे ये पास आता जाएगा इसके ये भी पॉजिटिव है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है तो रिपल्शन होने की वजह से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं हम इंपैक्ट पैरामीटर और इंपैक्ट पैरामीटर जितना कम होता जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन ये थीटा उतना ज्यादा होता जाएगा अब ये कह रहे हैं कि इंपैक्ट पैरामीटर को अगर हम जीरो कर दें तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा इंपैक्ट पैरामीटर जीरो इसका मतलब एल्फा पार्टिकल जो है वो एकदम न्यूक्लियस के सामने आ रहा है और न्यूक्लियस के जब सामने आएगा तो इतना रिपल्शन लगेगा कि ये उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग विल बी 180 डिग्री 180 डिग्री का चक्कर मार के वहीं से वापस लौट जाएगा वो थीक? तो इंपैक्ट पैरामीटर से डिसाइड होता है कि एंगल ऑफ डाइविशन कितना होगा इंपैक्ट पैरामीटर हम कम करते चले जाएंगे तो एंगल ऑफ पार्ट गैसेस कंडक्ट गैसेस बिगिन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर लो प्रेशर पे क्या होता है प्रेशर कम होता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं और उनको एसोलेट करने का ज़्यादा टाइम मिल जाता है तो एनर्जी है ज़्यादा एक्वायर कर लेते हैं और फिर जब वो टकराते हैं तो आइनाइज़ कर देते हैं और आइनाइज कर देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो जाती है ठीक है तो कोलाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्वायर हायर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इंक्रीज मीन फ्री पाथ अगर डेंसिटी कम है अगर प्रेशर कम है तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे होंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे होंगे तभी कम कम टकरा रहे होंगे और कम प्रेशर होगा तो मीन फ्री पाथ बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स अगर एसोलेट करेंगे तो उनको काफी काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर लेते हैं फिर जब वो हिट करते हैं एटम को तो एटम को आइनाइज कर देते हैं और इस तरह से बहुत सारे एटम आइनाइज हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाती है ठीक तो इसका बेस्ट आंसर क्या है बी पार्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा ठीक है स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है डिप और काइनेटिक एनर्जी और किस पे डिपेंड करती है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस फाइव तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है और जो जो प्लेट है जिस पे फोटो इलेक्ट्री इफेक्ट हो रहा है उसके वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड कर रही है. तो ये दोनों पे डिपेंड करेगी फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड द नेचर ऑफ कैथोड जहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे कैथोड मेटल प्लेट पर भी डिपेंड करेगी कि उसका वर्क फंक्शन कितना है तो आंसर बनेगा इसका सी पार्ट इन्हें बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है तो वो होती है थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हाइड्रोन आइटम कह रहे हैं हम हाइड्रोजन लाइक में देख लेते हैं ये काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है माइनस ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर सॉरी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर तो इनका काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो निकालेंगे तो वन इज टू माइनस टू हो जाएगा ठीक तो आप इसको माइनस वन बाय टू भी कह सकते हो सो योर आंसर इज सी पार्ट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की रेडियस कितनी होती है वो हमें डायरेक्ट याद भी है पॉइंट फाइव थ्री एंगे या पॉइंट फाइव टू नाइन एगेस्ट्रॉम यह होती है तो किस ऑर्डर में है तो उसकी वैल्यू है पॉइंट फाइव थ्री एंगे या फाइव पॉइंट थ्री इंटू टेन की पावर माइनस एलेवन मीटर सेंटीमीटर में करेंगे तो इसको लिखेंगे फाइव पॉइंट थ्री इंटू टेन इज पावर माइनस नाइन सेंटीमीटर ठीक है तो इसके सबसे जो क्लोज आंसर है तो चाहो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो पॉइंट फाइव थ्री इंटू टेन की पावर माइनस एट सेंटीमीटर दोनों ही चल जाएंगे तो माइनस एट या माइनस नाइन कुछ भी कह सकते हो मेरे हिसाब से माइनस नाइन होना चाहिए अब उन्होंने कुछ दिया नहीं तो माइनस एट के साथ काम चला देंगे इन द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम लेट पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट पोटेंशियल पी पोटेंशियल एनर्जी और टी टोटल एनर्जी है और हम लोअर से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जा रहे हैं ठीक है लोअर से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और टोटल एनर्जी भी बढ़ती है ये रिलेशन है तो पोटेंशियल और टोटल दोनों ही बढ़ जाएंगे बोथ इंक्रीजेज बी पार्ट हाइड्रोजन ड्यूटीरियम सिंगली एन हीलियम एच प्लस एच ई प्लस डब्ल्यू एन लिथियम एल आई डबल प्लस ऑल हैव वन इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस सब हाइड्रोजन लाइक like है हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक है और एन इजक्ल टू टू से एन इजक्ल टू वन में ट्रांजिशन हो रहा है और वेव लेंथ के बारे में पूछ रहे हैं तो वेव लेंथ का फॉमूला होता है वन बाई लेमडा इजक्वल टू आर जेड स्क्वायर वन बाई टू से वन में आ रहे हैं ना तो वन बाई वन का स्क्वायर माइनस वन बाई टू का स्क्वायर तो यहाँ सीधी सी बात है जिसका जेड ज्यादा होगा उसकी वेव लेंथ कम होगी तो जेड सबसे ज़्यादा लिथियम का है यार सबसे ज्यादा किसका है लिथियम का है बाकी आर सेम है ये ट्रांजिशन सेम है तो मैं सबके लिए लिखता हूं हाइड्रोजन का कितना होगा लेमडा एच तो वो आप यहां पे जेड की वैल्यू क्या डालेंगे वन ठीक है तो इस प्रोपोर्शनल टू वन कह देता हूं मैं वन बाई लेमडा ड्यूटीरियम के लिए जेड कितना होगा वो भी उसके लिए भी वन ही होगा तो वो भी वन ही आ जाएगा और हीलियम के लिए कितना होगा वन बाई वन बाई लेमडा हीलियम के लिए हीलियम पॉजिटिव के लिए तो जेड टू होता है तो इस प्रोपोर्शनल टू टू और वन बाई लेमडा लीथियम के लिए कितना होगा एल आई डबल पॉजिटिव के लिए तो वहाँ पे जेड थ्री होता तो इस प्रोपोर्शनल टू नाइन तो अब जरा चेक कर लेते हैं क्या समझ में आ रहा है आपको ठीक है तो ऐसा लग रहा है अगर मैं इधर वन छोड़ूँ तो इधर लेमडा एच आ जाएगा इधर लेमडा डी आ जाएगा इधर ट्वाइस लेमडा एच ई आ जाएगा इधर नाइन लेमडा एल आ जाएगा और इस तरफ सबका वन है तो हम ऐसा ले सकते हैं कि लेमडा एच किसके बराबर है लेमडा डी के बराबर है और वही किसके बराबर है टू टाइम्स लेमडा एच के बराबर है और वही किसके बराबर है नाइन टाइम्स लेमडा एल डबल पॉजिटिव के बराबर है ठीक है जेड स्क्वायर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा लेमडा वैसे वैसे कम होता जाएगा वैसी सिचुएशन है तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए पार्ट यहां मैंने गड़बड़ कर दिया ये टू नहीं होगा फोर होगा क्यों क्योंकि जेड स्क्वायर है हीलियम के लिए जेड टू होता है उसको स्क्वायर करेंगे तो यहां फोर आ जाएगा तो ये फोर आंसर बनेगा फोर इसलिए आंसर क्या जाएगा आपका ए पार्ट इन द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम लोएस्ट ऑर्बिट लोएस्ट ऑर्बिट की के पास एनर्जी क्या होती है मिनिमम एनर्जी होती है नाम ही है उसका लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट मिनिमम एनर्जी जीरो नहीं होती है नेगेटिव में होती है मिनिमम एनर्जी होती है अगले वाले हम कह रहे हैं एन हाइड्रोजन एटम इज इन ग्राउंड स्टेट एब्सॉर्व टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रोन वोल्ट ऑफ एनर्जी तो टेन पॉइंट टू तो जो है वो ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देगा एन इज टू वन से एन इज्वक्ल टू टू में पहुंचा देगा ठीक है तो एन इज टू वन से वो एनर्जी एब्जॉर्व करके कहाँ पहुंचेगा एन इजक्वल टू टू में पहुंचेगा ऑर्बिटल मोमेंटम कितना होगा तो एनजल टू वन में ऑर्बिटल मोमेंटम होगा एच अपॉन टू पाई और एनजू टू में हो जाएगा टू टाइम्स एच अपॉन टू पाई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये हो जाएगा तो कितना इंक्रीमेंट हुआ तो एच अपॉन टू पाई के बराबर इंक्रीमेंट हुआ अब एच की वैल्यू पता है टू पाई की वैल्यू पता है डिवाइड करो आंसर आएगा आंसर आएगा आपका ए पार्ट ठीक है एच सिक्स पॉइंट सिक्स है ना सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन माइनस थर्टी फोर और टू पाई जो होगा वो सिक्स पॉइंट टू एट हो जाएगा तब आप डिवाइड करोगे तो वन पॉइंट समथिंग आ जाएगा और वो एक ही आंसर है इसलिए आंसर क्या बनेगा ए पार्ट अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इन द ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ठीक है थर्ड से फर्स्ट में आना है तो सारे लेवल्स आपको याद होने चाहिए ठीक है या सीधे फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप जो डेल्टा ई का फॉर्मूला होगा वो आपका हो जाएगा 13.6 थर्ड से फर्स्ट में आ रहे हैं तो 1 बाई वन का स्क्वायर माइनस वन बाई थ्री का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा तो 1 माइनस वन बाई नाइन एट बाई नाइन तो 13.6 पॉइंट सिक्स इंटू एट बाई नाइन तो कितना आ जाएगा ये ओके मैंने गलत कर दिया थर्ड एक्साइटेड स्टेट है ओके सब गलत कर दिया मैंने थर्ड एक्साइटेड स्टेट है इसका मतलब फोर एन इजक्ल टू फोर हुआ उससे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है मतलब एन इजक्वल टू टू में आ रहा है तो वन बाई टू का स्क्वायर माइनस वन बाई फोर का स्क्वायर ये बनेगा तो ये आपका आ जाएगा थर्टीन पॉइंट सिक्स एल्शियम कितना जाएगा सिक्सटीन ऊपर बचेगा थ्री तो ये कुछ आपका आंसर बनेगा आ, थ्री से तो कम ही आंसर आएगा तो टू पॉइंट फाइव फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा आंसर सी पार्ट एक बार चेक कर लेना फिर भी इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि टू पॉइंट फाइव फाइव आएगा फोटोन ऑफ एनर्जी फाइव इलेक्ट्रॉन वोट इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस लिबरेट्स इलेक्ट्रॉन विच इज स्टॉप्ड बाई ए नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ थ्री पॉइंट फाइव वोल्ट वर् फंक्शन पूछ रहे हैं तो फोटोन की एनर्जी जो एच न्यू है वो पांच इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है और रोकने के लिए थ्री पॉइंट फाइव वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल लग जा रहा है इसका मतलब मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो थ्री पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो जो वर्क फंक्शन आएगा तो वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा वन पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक बी पार्ट वेन हाइड्रोजन एटम गोज फ्राम द ग्राउंड टू द फर्स्ट एक्साइटेड लेवल हाइड्रोजन आटम जो है वो ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड लेवल में जा रहा है तो रेडियस के बारे में पूछ रहे हैं क्या हो रहा है तो रेडिय चार गुना हो जाएगी क्योंकि ग्राउंड स्टेट का मतलब एनइजक्ल टू वन हो गया उससे फर्स्ट एक्साइटेड लेवल में जा रहा है यानी एन इजक्ल टू टू में जा रहा है और आर जो होता है वो होता है आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड तो एन अगर वन से टू हो रहा है तो रेडियस जो है वो चार गुना हो जाएगी बिकम्स फोर टाइम्स डी पार्ट द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट की एनर्जी यदि है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पूछ रहे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज एसोलेट थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट volt. 100 वोल्ट से अगर इलेक्ट्रॉन को एसोलेट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी अब इसको अगर जूल में लिखना है तो 100 इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन डेज टू पावर माइनस नाइनटीन जूल सो इट विल बिकम 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन इज फॉर माइनस सेवनटीन जूल ये आंसर बनेगा आपका ए पार्ट